नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण अपने धर्म और ग्रंथों को अति प्राचीन बताकर कितना ही महिमामंडन क्यों ना करे, मगर असलियत छुपाए नहीं छुपती। जब भी इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ने बैठो तो सभी ग्रंथों की पोल खुलने लगती है। दोस्तों, आप सभी ने ब्राह्मणवादियों द्वारा ये तो महिमामंडित करते हुए जरूर सुना होगा कि रामायण इतने हजार साल पुरानी है, इतने लाख साल पुरानी है, जिसके मन में जो मर्जी आती है वो उतना ही फेंकने लगता है, क्योंकि गपबाजी में ब्राह्मण बहुत सातिर होते हैं और ये बेचारे कर भी क्या सकते हैं। जब पूरा ब्राह्मण धर्म ही झूठ की बुनियाद और दूसरों के चुराए इतिहास पर टिका हुआ है, तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है लोगों को गुमराह करो और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका शोषण करो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रमाण दिखाने वाले हैं कि रामायण कागज का आविष्कार होने के बाद ही लिखी गई है। तो वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण पेज नंबर 528 अयोध्या कांड सर्ग 109 के श्लोक 34 पर। इसमें लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप ना करे। तो देखा आपने, वाल्मीकि रामायण को बुद्ध जातक कथाओं से चुराकर बुद्ध के ही खिलाफ में लिखी गई है। वो कहते हैं ना, चोर कितना ही सातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ ये तो सिद्ध हो ही गया कि रामायण तथागत गौतम बुद्ध के बाद लिखी गई है। इससे ब्राह्मणवादियों की रामायण हजारों लाखों साल पुराना बताने की कोरी गपबाजी पूरी तरह पर्दाफाश हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ दिमाग से पैदल राहुल आर्य जैसे धूर्त सच्चाई सामने आने पर गीता प्रेस को ही दोषी ठहराने से नहीं चूकते कि उन्होंने ही श्लोक अपने तरफ से मिला दिए। खैर छोड़िए, ये तो धूर्तों की पुरानी आदत है, जब इनकी सच्चाई सामने आने लगती है और इनका भांडा फूट जाता है तो कभी अंग्रेजों को दोषी ठहराते हैं तो कभी मुगलों को कि उन्होंने मिलावट करवा दी। जब तुम्हारे सारे ग्रंथों में मिलावट ही हो चुकी है तो फिर क्यों गठरी बांधकर बोझा ढो रहे हो? आग लगाओ ऐसे ग्रंथों को जिनमें कुछ काम का है ही नहीं। अब तो सारे ग्रंथ मिलावटी हैं। या फिर ये कहना बंद करो कि मिलावट करवा दी। जब कोई एक्सपोज करे तो कहने लगते हो कि मिलावट करवा दी, वरना कब के मुगल और अंग्रेज चले गए, तब से सब सही था और यही ज्ञान लोगों पर तुम थोपे जा रहे थे। कम से कम अब तो शर्म करो। आखिर कब तक कोरी गपबाजी करते रहोगे और कब तक इन खोखले ग्रंथों से साइंस निकालते रहोगे? लोग अब समझदार हो रहे हैं। अब आप लोगों को ज्यादा टाइम तक गुमराह करके नहीं रख पाओगे। अब आपका दिन ब दिन भांडा फूटता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।